लोग सोचते हैं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सब एक हैं। जियो और जिनेदेव का संदेश घर घर तक पहुंचाएं। हम लोग ऑपरेशन फ्री ऑपरेशन करते हैं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, ये खुद जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से मैं मौजूद हूँ आज रायचूर शहर के जैन मंदिर में। ये जो यहाँ पर जैन मज़हब के कई लोग मेरे सामने मौजूद है, और डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन जो एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल हैं वो भी मेरे सामने मौजूद है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, ये जो मासूम लड़का जो मेरे सामने खड़ा है जाफ़र, इसके ताल्लुक से इससे पहले भी MK भंडारी हॉस्पिटल ने जयपुर को इसके जो पैर और हाथ के लिए ख़ास तौर पे MK भंडारी हॉस्पिटल की जानिब से भेजा गया था, मगर आज जैन मज़हब के कई चाहने वाले ख़ास तौर पर उस लड़के को यहाँ पर बुलाए हैं। नाज़रीन, मेरे बीच मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन जो एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल हैं। सर, A1 TV में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज रायचूर के शहर में जैन मंदिर में प्रार्थना के दौरान आज जो महाराज आए हुए हैं यहाँ पे, आज प्रार्थना के दौरान एक मुस्लिम लड़का जाफर सादिक गंगावती का है। ये बाय बर्थ हाथ और पैर नहीं है, जबकि ये बच्चा पैदा होने से पहले ये बच्चे का स्कैन किया गया था। उस दौरान डॉक्टर ने कहा ये बच्चे को दो हाथ भी नहीं है, दो पैर भी नहीं है, लेकिन आप ये अगर बच्चा अगर पैदा होगा तो आपको बहुत ज़िंदगी में रिस्क रहेंगे, तो आप लोग अगर बच्चा अगर नहीं चाहिए बोले तो हम लोग अबॉर्शन कर देंगे। तो तुम लोग एक 10 या आधे घंटे का टाइम दिए थे डॉक्टर्स, जब उनके पेरेंट्स ने भगवान अगर दे रहा है तो हाथ रहे या पैर रहे या ना रहे हम उसको पालेंगे बोलकर वो बच्चे को 8 साल तक पाले हैं। जब 8 साल के बाद वो गंगावती से रायचूर को आए, रायचूर में RKB फाउंडेशन के जानिब से सुमार 7 ईयर से ये हाथ और पैर ये फ्री आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं भंडारी फाउंडेशन के जानिब से दिया जा रहा है। ये भंडारी फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन शोभाराज भंडारी जी और उनके ब्रदर विजयराज भंडारी जी ने अपनी इतनी उम्र में भी, उनकी उम्र 65 साल की उम्र में भी ये लोग स्टेट के अंदर दौरे करके तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटक के अंदर 7200 विकल चेतन नहीं बोलना चाहिए इनको, लेकिन ये लोगों को जा के डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके वहाँ पे ये लोग पर सर्वे कर तकरीबन 7285 बेनिफिशरीज को आर्टिफिशियल लिम्ब एंड आर्टिफिशियल हैंड्स दिए हैं। उसके साथ व्हीलचेयर, क्लचर्स एंड वॉकर, ये सब बेलगाम से लेकर हम लोग मैसूर से लेकर बीदर तक हम लोग 5 साल के अंदर इतना काम किए हैं। ये बच्चे को जो है श्रीमान शोभाराज भंडारी को आके ये लोग अप्रोच हुए विजयराज भंडारी साहब के पास कि ये बच्चा ऐसा है, लेकिन वो लोग ने दो हाथ नहीं, ये बच्चे के जो नी के ऊपर पेंसिल सर के हैं पैर, ये थाई जो होता ना जस्ट लाइक पेंसिल, उस पेंसिल को भी वो लोग ने हमारे शोभाराज भंडारी जी ने उसको बिठा के 2 दिन रायचूर में रखकर उनको एक होप्स दिए, तुम्हें मुझे ज़रा टाइम दो, ये हमारे रायचूर में अगर नहीं हुआ तो भी मैं अपने इसके जरिए फाउंडेशन के जरिए जयपुर को भेजकर ये लोगों को मैं हार्ट लिम्स एंड हैंड चलाने की जिम्मेदारी मेरी बोलकर हमारे शोभाराज भंडारी जी ने उनको एक होप्स दिए। ये दिखाई देता है समाज के अंदर, जैन समाज ये कोई जात पात देखने वाला समाज नहीं है, बस एक इंसानियत देखने का समाज है। आज महाराज जो बोल रहे हैं मैं भी सुना, लेकिन यही बता रहे थे ये बच्चा अंगविकल है, इसको देखकर हम सबक सीखना है। बोले अम्मा ये बात बिल्कुल सही है कि आज लोग ये बच्चा आने के बाद भी एक मुस्लिम लड़का हुआ
तो वो लोग, बहुत से लोग यहाँ पे आके डोनर्स महिलाएं उठ के आके बच्चे को दान किए। यही इंसानियत है। दुनिया में कोई इंसान क्या भी लेकर नहीं जाता, बस इंसानियत ही लेकर जाता दुनिया के अंदर। जब ऊपर जाने के हिसाब देने का अगर है तो हमारे अच्छाई, यही हमारा फाउंडेशन कर रहा है काम और जैन समाज कर रहे हैं। ये सबके लिए सबक है कि हर समाज के लोगों को एक सबक है कि हम लोग जिंदगी में, दुनिया में अगर भगवान भेजा है तो हमारे अच्छे काम ही हमारे को आते हैं, बोलकर एक मैसेज दे रहे हैं। ये हम लोग सब अमल करें। मगर आज खास तौर पे बच्चे को यहाँ पर बुलाए थे ना सर, उसकी क्या वजह थी? यही बच्चे को जो है वहाँ पे जयपुर से जो है डॉक्टर मीरा, डॉक्टर पूजा मुकुम से हमारे शोभाराज भंडारी साहब ने बात किए थे। ये बच्चा तो अब चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलती, वो लोग ने वहाँ पे एक साइकिल भेजे हैं। हाँ, अब बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लेंगे और जयपुर को भेजेंगे बच्चे को, और पढ़ने की जिम्मेदारी भी लेंगे आगे चलकर। बच्चा लिख सकता है क्या? अभी लिखने के अभी वो आ रहे हैं, वो हैंड्स जो है। बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर अलहमदुल्लामी, महावीर का जो संदेश है जियो और जिनो दो, इस तहत हम लोगों ने इसी साल जैसे पैर फुटवेयर और जो ट्रेंड स्मेल, जो फ्री स्माइल ट्रेंड, जो फ्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अब तक करीबन स्माइल ट्रेंड के कितने हज़ार हुए? 8,000 स्माइल ट्रेंड के हुए हैं, 7,000 ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्री आई कैंप करने का जो चल रहा है। फिलहाल हम लोग हमारे हॉस्पिटल में 2 हफ्ते हुए अभी, भंडारी हॉस्पिटल, एम के भंडारी हॉस्पिटल में अभी चालू हो गया है, करीबन 20 से 25 ऑपरेशन हो चुके हैं। जो कोई भी ज़रूरतमंद, जो मतलब ज़रूरतमंद है, उन्हीं को हम लोग ऑपरेशन, फ्री ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को, शोभाचंद जी भंडारी एवं विजयराज जी भंडारी को, जो रायचूर निवासी हैं, उन्हें तहे दिल से प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब की ओर से, साध्वी परिवार की ओर से, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ रायचूर की ओर से तहे दिल से धन्यवाद एवं साधुवाद देती हूँ। साधुवाद इसलिए कि जब प्रवचन का दौर चालू था और प्रवचन के बीच में जब एक नन्ना मुन्ना बच्चा, मासूम बच्चा जब यहाँ आया और जब उसकी हालात देखी कि उसके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं हैं, सच कहूँ उसके हालात देखकर आंखों में पानी आया। लेकिन जब पता चला कि उस बच्चे को इस भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के पुरुषार्थ से और डॉक्टर मोहम्मद रिया के पुरुषार्थ से, उनकी मेहनत से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कृत्रिम जो लगाए गए हैं जयपुर फुट, और आज वो बच्चा कुछ देर चल पा रहा है। मैं एक साधु होने के नाते, उन्होंने जो एक सेवा का जज्बा दिखाया है, जो उन्होंने एक सेवा की है इंसानियत के नाम पर, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो बच्चा जन्म से बाय बर्थ मुस्लिम है। सच कहूँ सेवा के लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना कोई पारसी है, सिर्फ इंसान की सेवा करना ही हमारा एक फ़र्ज है। महावीर ने हमें यही सिखाया है और यही कार्य उनके भक्त आज फॉलो कर रहे हैं। मैं कहूँ इसी तरह आगे भी ऐसी सेवा होती रहे। अभी मुझे पता चला कि 7,500 से ऊपर बच्चे, बूढ़े या अन्य और किसी महिला पुरुष को कृत्रिम 7,000 लोगों को जयपुर फूट या कैलिपर्स या व्हीलचेयर दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका यह मिशन, आपका यह सेवा का कार्य, यह सेवा का यज्ञ इसी तरह आगे बढ़ता रहे। आप कार्य करें, ऐसे बच्चों का भविष्य बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं अरुणिमा का, जब एक पैर ट्रेन के नीचे कट गया और जब उसे पैर लगा तो वह हिमालय को भी चढ़ गई। इसी प्रकार ये बच्चा भी कुछ इतिहास में नाम कमाए, क्योंकि उसमें काफ़ी टैलेंटेड है, आगे बढ़े और उसकी एजुकेशन की व्यवस्था भंडारी जी कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट कर रहा है, ऐसे और भी बच्चों का भविष्य बनाएं। आज आपने पैर दिया है, पैर नहीं दिया उसे जीवन जीने का एक सहारा दिया है, आपने पैर नहीं दिया उसको एक आधार दिया है, आपने उसको हाथ नहीं दिया है उसके सर पर हाथ रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर।
लोगों को कई एक लोग धर्म के नाम पर कई एक ऊंच नीच कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए एक मैसेज जो टीवी चैनल वालों ने कहा है कि आज जो चल रहा है सच आज धर्म के नाम पर या धर्मांधता के नाम पर जो पूरी दुनिया को भ्रमित किया जा रहा है कि हमें धर्म के नाम पर, धर्म हमें मारना नहीं सिखाता है, धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म हो हमें धर्म प्रेम करना सिखाता है, धर्म वही है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना सिखाता है, धर्म वही है जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, धर्म वही है जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, धर्म वही है जो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाता है, प्राणी मात्र के प्रति जो हमारा प्रेम की भाव हो। और भगवान महावीर ने हमें यही कहा है कि लोग सोचते हैं हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, अपनी अपनी कौम और वतन का सबके दिल अभिमान है, लेकिन लोग छोटी सी बात को कैसे भूल जाते हैं, लेकिन लोग छोटी सी बात को कैसे भूल जाते हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमें इंसानियत की सेवा करना है। जो इंसानों की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा कर रहा है, वो परवरदिगार की सेवा कर रहा है, वह खुदा का एक पक्का बंदा है। तो आइए हम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें और सेवा की श्रृंखला को, मानवता के इस दीप को जलाएं, जियो और जीने दो का संदेश घर घर तक पहुंचाएं, यही मेरा आज का संदेश है। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि अभी इन्होंने बहुत बेहतरीन बात बताई, कोई धर्म नहीं सिखाता, और जियो और जीने दो का जो उन्होंने नारा कहा है, मैं फिर एक बार A1 TV की जानिब से अभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मैसेजेस अगर लोगों में जाते रहे तो ये आजकल जो हालात बदल रहे हैं यकीनन वो हालात भी सुधर जाएंगे। जैसा हमारा हिंदुस्तान पहले था, जिसे गंगा जमनी तहजीब का जो गहवारा कहा जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे काम अगर होते रहेंगे तो यकीनन फिर से हमारा वो हिंदुस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो हिंदुस्तान फिर से बनेगा। मैं तहे दिल से आपका और यहाँ के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, भंडारी हॉस्पिटल के जो ज़िम्मेदार मेरे बीच भी जो मौजूद हैं, कि अक्सर मैं एक शेर कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते, मज़हब देखकर डॉक्टर दवाई नहीं करते। उसी तरह से आज उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को ये पैर और हाथ जो आर्टिफिशियल लगा कर ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर ही नहीं और उनके जो गुरु हैं उन्होंने भी ये बताकर बता दिया है कि आजकल मज़हब को देखना नहीं है, जो ज़रूरतमंद है उन ज़रूरतमंद की ज़रूरतमंद को पूरा करना, यही हर धर्म हमें सिखाता है। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू से।